हे गाइस, तो आ गए हैं हम बैंगलोर टर्मिनल 2 पर अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने। नायरा के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट है और यहाँ एंट्री करने से पहले ही यार इतना अमेजिंग है इसका बाहर का ही। सारे जगह बैम्बू के शैंडलियर्स हैं, हर जगह ग्रीनरी है। वो देखिए ग्रीन बेल कितना सुंदर लग रहा है यार, मज़ा ही आ गया। ये सेल्फ सस्टेन्ड एयरपोर्ट है तो सोलर एनर्जी से चलता है। अब हम एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर अपना लगेज चेक इन करेंगे। नायरा तो बहुत ही अमेज्ड हो गई है, इतनी खुश है, इतनी खुश है कि क्या बताएं। देखिए यहाँ पर कितने कितने सेंटर पीसेस भी लगाए हुए हैं और नायरा तो उछल उछल के पागल हो रही है। अभी हम अपना ढूंढ रहे हैं कि हमारे कहाँ से हमें चेक इन करना है अपना लगेज, और ये बेल्स देख के तो इतना मज़ा आ रहा है। दे आर सो मेजमराइजिंग कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा एयरपोर्ट इतना क्लीन है और इतनी लाइट्स हैं, ग्रीनरी है, मतलब बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग जब आएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये एयरपोर्ट। आई थिंक दिस मस्ट बी इंडियाज़ बेस्ट एयरपोर्ट। मैं T3 पे भी गई हूँ, वो भी बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा लगता है, बट ये बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा है। यहाँ पे इंटरनेशनल डिपार्चर्स हैं तो हम इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने आए हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। देखिए बीच में भी उन्होंने एक सेंटर पीस प्लांट का ही दे रखा है, कितना सुंदर है। यहाँ पे इमिग्रेशन है और ये दोनों साइड ग्रीन, एंड नायरा इज सो एक्साइटेड। अब हम इमिग्रेशन क्रॉस कर चुके हैं, अंदर आ गए हैं, अपने गेट की तरफ देखेंगे जाने के लिए। यहाँ पे अंदर आके बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपका कार्ड नहीं चलेगा लॉन्जेस के लिए। जी हाँ, यहाँ पे लॉन्जेस में आपका कार्ड नहीं चलेगा। अभी लॉन्ज इतनी तरह बने नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए ग्रीन वॉल, ओ माय गॉड, कितने प्लांट्स यार, सेल्फ वाटरिंग प्लांट्स कैसे किया होगा इन्होंने, मैं तो यही सोच रही हूँ। और ये सेंटर में एक छोटा सा उन्होंने वाटर बॉडी बनाया है, आर्टिफिशियल लेक टाइप, और यहाँ पे लाइटिंग है, प्लांट्स इतने सुंदर लग रहे हैं कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे घूमने में ही आपका टाइम निकल जाएगा, मतलब बैठने को तो मन ही नहीं करेगा, देखेगा कि और देख लें क्या है, और देख लें क्या है। और ये देखिए अब हम गेट्स पे आ गए हैं, हमारी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। और यहाँ पे भी गेट्स पे भी बहुत कुछ है, ये देखिए बैम्बू का बनाया हुआ है इन्होंने। नायरा ट्रॉली पे एंजॉय कर रही है, ये स्मॉल ट्रॉली अंदर तक आ जाती है तो वो ट्रॉली पे एंजॉय कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप T2 आएँ तो हमें ज़रूर बताएँ कमेंट्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।